हेवक ओएस मैक्स प्रो M1 से पहले मैंने मैक्स प्रो M2 में इंस्टॉल किया था। हेवक ओएस का फेवरेट फीचर्स पे मैंने एक वीडियो भी शेयर किया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा वो वीडियो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक बार ज़रूर देख लेना अगर आप हेवक ओएस इंस्टॉल करना चाहते हो। तो गाइस, मैंने जब मैक्स प्रो M1 में हेवक ओएस का रिव्यू किया था तो बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए थे हेवक ओएस का या फिर कोई भी बेस्ट रॉम का मैक्स प्रो M2 के लिए एक वीडियो बनाओ। तो गाइस, बेस्ट रॉम करके कुछ नहीं होता, जिस तरह बेस्ट स्मार्टफोन नहीं है कोई अल्टीमेट, आप नहीं कह सकते कि 15,000 में ये सबसे बेस्ट फ़ोन है, ठीक इसी तरह आप ये नहीं कह सकते कि ये सबसे बेस्ट रॉम है। आज आपको कोई रॉम अच्छा लग रहा है तो कल को कोई और रॉम भी अच्छा लग सकता है। मैक्स प्रो M2 के लिए बहुत सारे कस्टम रॉम्स ऑलरेडी अवेलेबल हो चुके हैं, मैंने सारे रॉम्स को ट्राई नहीं किया इसलिए ये नहीं कह सकता कि हेवक ओएस 2.3 जो है सबसे बेस्ट रॉम है। और दूसरी बात है, हेवक ओएस 2.3 का एक नया अपडेट आया है 2.4 का, लेकिन मैंने फोरम में पढ़ा है कि 2.4 का बैटरी लाइफ जो है, बैटरी बैकअप 2.3 जितना नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने फोरम में पढ़ा है। वैसे मैं आज आपको 2.3 के बारे में बताऊंगा, अगर आप चाहो तो लेटेस्ट हेवक ओएस 2.4 भी इंस्टॉल कर सकते हो। हेवक ओएस और मैक्स प्रो M2 मतलब कस्टमाइजेशन, स्टेबिलिटी एंड स्मूथनेस एंड डिसेंट बैटरी लाइफ। गाइस, जब मैंने सोचा रॉम का फुल रिव्यू करना है तो मैंने इसको फुल चार्ज कर लिया और उसके बाद तकरीबन 2 घंटा 15 मिनट पबजी खेला। मैं बहुत अच्छा प्लेयर नहीं हूँ पबजी का और बहुत फेवरेट नहीं है मेरा पबजी, बस खेल लेता हूँ किसी तरह, अच्छा लगता है मुझे। तो मैंने काफ़ी इन्जॉय किया गेम को और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखा परफॉर्मेंस में। सिर्फ एक जगह थोड़ा सा इशू दिखा, जब भी मैं कोई गाड़ी यूज़ करता हूँ तब थोड़ा सा गेम लैग करता है, बस यहीं पे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखा, अदरवाइज़ गेमिंग एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था एंड कोई हीटिंग इश्यू भी मुझे नहीं दिखा। रॉम सुपर स्मूथ एंड स्टेबल है, कोई भी अभी तक मेजर बग मैंने नोटिस नहीं किया। ऑटो फेस अनलॉक फीचर काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिंगरप्रिंट स्कैनर थोड़ा स्लो है, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा स्लो लगा मुझे कंपेयर टू स्टॉक। अब साउंड सिस्टम, स्पीकर, हेडफोन एंड ब्लूटूथ हेडसेट के साथ मैंने म्यूजिक सुना, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई, आउटपुट लाउड है एंड क्वालिटी भी अच्छी है। अडेप्टिव ब्राइटनेस, नाइट लाइट, वाईफाई, जीपीएस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डबल टैप टू स्लीप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा अभी, लेकिन डबल टैप टू वेक ऑन लॉक स्क्रीन में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखा मुझे, कभी कभी 3-4 मरतबा टैप करना पड़ जाता है। गाइस, गूगल कैमरा 4.4 प्री इंस्टॉल मिलेगा आपको, जीकैम 5.1 आप ट्राई करके देख सकते हो। वैसे लेटेस्ट हेवक ओएस 2.4 में कौन सा जीकैम यूज़ किया गया है एक बार आप फोरम में जाकर देख सकते हो। चार्जिंग आपको थोड़ा सा स्लो लगेगा लेकिन होपफुली इसे बहुत जल्द फिक्स कर दिया जाएगा। बैटरी लाइफ एक्सेलेंट है तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। गाइस, अभी तक मैंने मैजिक फ्लैश नहीं किया यानी डिवाइस को रूट नहीं किया है, तेज़ ऐप इंस्टॉल करके देखा, सेटअप करके देखा, आप देख सकते हो। और मुझे लगता है ऐसा कि दूसरे बैंकिंग ऐप्स भी काम करेगा, तो आप रॉम सेटअप के बाद मैजिस्क इंस्टॉल मत करना, पहले अपने बैंकिंग ऐप्स इंस्टॉल करके चेक कर लेना वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। गाइस, रॉम सेटअप के बाद आपको एक और बग दिख सकता है, लेकिन एक्चुअली ये बग नहीं है। आपको जो टॉप में स्टेटस बार में आइकॉन्स है, टेक्स्ट है, ये कटा कटा सा लगेगा जिस तरह हमें स्टॉक रॉम में देखने को मिला, तो आप टेंशन मत लेना। हेवक सेटिंग्स में जाना, उसके बाद स्क्रीन सेटिंग्स में, स्क्रीन सेटिंग्स के नीचे आपको दिख जाएगा स्टेटस बार पैडिंग, इससे माइनस या प्लस करके आप आइकॉन्स को, टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हो और उसके बाद ये जो प्रॉब्लम आपको दिख रहा है ये फिक्स हो जाएगा बहुत आसानी से। थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। गाइस, अगर आपको मेरे जैसा कलरफुल थीम यूज़ करना है तो आप हेवक सेटिंग्स में जाने के बाद इंटरफेस में जाना, इंटरफेस में जाने के बाद बैकग्राउंड कलर जो है ये शेडी या फिर ग्लासी यूज़ करना, उसके बाद थीम कलर पे कोई भी कलर आप बैकग्राउंड के लिए सेलेक्ट कर सकते हो और उसके साथ एक्सेंट कलर। हेवक सेटिंग्स के अंदर आपको फुल ऑफ कस्टमाइजेशन दिख रहा होगा, बहुत सारे कस्टमाइजेशन, तो मैं सबको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैंने इस पर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया है, अगर आप उसे देखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस, अब बैटरी लाइफ, 2.5 दिन पहले मैंने फ़ोन को फुल चार्ज किया था और तकरीबन 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल चुका है। पबजी मैंने 2 घंटा 15 मिनट खेला, यूट्यूब भी 2 घंटा 15 या 20 मिनट है, ये आपको जो 3 घंटा 30 मिनट दिखा रहा है एक्चुअली मैंने एक फ़ाइल डाउनलोड करने की कोशिश की, नेटवर्क के कारण से या किसी भी कारण से वो फाइल बीच में अटक गया था जिसके कारण से ये नोटिफिकेशन रह गया था, इसीलिए ये 3 घंटा 30 मिनट दिखा रहा है, ये एक्चुअली 2 घंटा 15 या 20 मिनट है। एंड गाइस, फेसबुक 30 मिनट है, ब्राउज़र भी 30 मिनट है, इंस्टाग्राम एंड एफ ऑनलाइन भी लगभग 30 मिनट के आसपास है,
फ़ोन कॉल्स मैंने ज़्यादा नहीं किया इसलिए आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। वैसे वॉल्टी एंड जियो आउटगोइंग काम कर रहा है, इसके लिए आप टेंशन मत लेना। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि बैटरी लाइफ आपको डिसेंट देखने को मिलेगा, 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम, 2.5 दिन ऑलरेडी चल चुका है, मुझे लगता है कि 2-3 घंटे आराम से चल जाएगा मेरा फ़ोन। गाइज मैंने ट्राई तो नहीं किया लेकिन मैंने पढ़ा है डुअल वॉल्टी भी काम कर रहा है, तो ओवरऑल रोम का परफॉर्मेंस काफ़ी मस्त है, बैटरी लाइफ अच्छी है, कस्टमाइजेशन है, ओवरऑल एक परफेक्ट रोम है आपके मैक्स प्रो M2 के लिए। गाइज सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना नोटिफिकेशन के लिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। एंड गाइज देखते रहिए iPhone Unboxed।